हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि आप अपस्टॉक के ऐप में आपने जैसे कि कोई ऑर्डर लगाया हुआ है, इंट्राडे में कोई ऑर्डर लगाया, तो वो ऑर्डर को आप कैसे आप डिलीवरी में आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग शेयर्स को तो बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या लॉस होते रहता है। लॉस होता है तो उनको क्या कि 3-15 से पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे को आज लॉस हो रहा है तो इसको मैं कल बेच देता हूँ, कल या परसों बेच दूंगा, ऐसा सोचते हैं। या फिर उसको वो लोग सोचते हैं कि इंटरडे में लिया तो चलो इसको मैं डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता हूँ और बाद में सेल करूंगा लॉन्ग टर्म में। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि इंटरडे ऑर्डर को आपको 3:15 से पहले, 3:15 से पहले कैसे आपको डिलीवरी पे आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपस्टॉक का मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो अपस्टॉक का ऐप लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो माई लिस्ट में अपना यहाँ पे जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो वो स्टॉक को आप यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं मान के चल लीजिए ONGC सर्च करता हूँ। ONGC की जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं NSE इक्विटी। तो ये आप जो आपको ये जो दिख रहा है ना NFO, इस पे मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। यहाँ पे आपको मैं इक्विटी में आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, इंट्राडे को डिलीवरी पे कन्वर्ट करके। तो आपको यहाँ पे ONGC, NSE इक्विटी, EQ का मतलब होता है इक्विटी और NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका अभी करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है 186.80 चल रहा है, ठीक है, 186.80 चल रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ONGC एडेड बोल रहा है, यहाँ पे आपको ONGC एडेड बोल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं बैक जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। यहाँ से मैंने कट किया, कट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ONGC आ गया आपका। अब इसको मैं आपको मैं बाय करने जा रहा हूँ, मैं इंट्राडे में एक क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको बाय करने के लिए यहाँ पे सभी चार्ट समरी है, सभी डिटेल्स आप देख सकते हो। चार्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चार्ट आ जाएगा। ओपन चेन करेंगे तो यहाँ पे ओपन चेन, फंडामेंटल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल पूरा आ जाएगा इसका एनालिसिस करने के लिए। चलिए अब मैं समरी पे क्लिक करता हूँ। समरी पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे इसका ओपन और कल का क्लोज, इसमें वॉल्यूम बाय सेलर्स कितने हैं, और यहाँ से आपको डे का हाई लो ये पता चल जाएगा। 52 वीक में 125 तक लो गया था और 52 वीक में 192 तक हाई गया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। बाय बटन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, देख अब यहाँ पे देखिए रेगुलर GTT MTF आ रहा। तो आप इंटरडे में कर रहे हो ना, तो आप इंटरडे में कर रहे हो तो आप रेगुलर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलर को करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, NSE BSE। तो यहाँ पे आप BSE मत करिएगा, आप यहाँ पे आप NSE सिलेक्ट करके आप ट्रेड करिए। यहाँ पे NSE सिलेक्ट करिए और इसके बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी जैसे कि मान के चलिए आप दो क्वांटिटी डालते हो तो दो क्वांटिटी का आपको कितना मार्जिन लग रहा है, 74 रुपीज का मार्जिन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं अपने डीमेट अकाउंट में एक सेकंड पूरा बैक चले जाता हूँ, बैक चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको अकाउंट भी दिखा देता हूँ, मेरे डीमेट अकाउंट में अभी कितना फंड है। अभी मेरे डीमेट अकाउंट में 3,000 रुपये का बैलेंस है, देख सकता है। अवेलेबल टू विड्रॉ टोटल कैश फंड 3,000 का बैलेंस है यहाँ पे। तो चलिए दोबारा मैं आपको, मैं 3,000 में आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। माई लिफ्ट पे क्लिक किया, ONGC पे गया, नीचे बाय बटन पे मैंने क्लिक किया, बाय बटन पे क्लिक किया, रेगुलर सिलेक्ट किया और रेगुलर के बाद क्वांटिटी यहाँ पे मैं दो डाल देता हूँ। दो क्वांटिटी का मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन 74 रुपीज लगेगा, लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट में है अभी 3,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट और लिमिट का क्या मतलब है। मार्केट में आप जो प्राइस चल रहा है 187, 186, इसी में आप बाय कर रहे हो। और लिमिट में आप मतलब कि यहाँ पे आप मान के चल लीजिए आप लिमिट डाल देते हो, यहाँ पे 180 डाल देते हो, तो ये आपका 187 वाला है, जो जब ये नीचे गिर के 180 को टच करेगा तभी आपका बाय होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं मार्केट में बाय करके दिखा देता हूँ। मार्केट में आपको बाय करके दिखा रहा हूँ 187 पे। और यहाँ पे डिलीवरी, इंटर डिलीवरी पे आप करोगे ना तो इसको आप डायरेक्ट आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप बाय करके सेल कर सकते हो, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, जैसा भी आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में बाय करके मैं यहाँ पे आपको इसको डिलीवरी पे कन्वर्ट करूंगा। अब यहाँ पे स्वाइप टू बाय बटन पे मैंने क्लिक किया। अब इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑर्डर कंप्लीट, यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट में देख सकते हैं दो क्वांटिटी दिखा रहा है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे देखिए
187 पे लिया है मैंने। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑर्डर दिखाएगा डे। ऑर्डर हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है। अब व्यू पोजीशन पे देखिए क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए व्यू पोजीशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपको कन्वर्ट पोजीशन। अगर आप इसको बेचना चाहते हो ना तो डायरेक्ट आप स्क्वायर अप में क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपको और क्वांटिटी खरीदना है तो आप यहाँ पे बाय मोड पे क्लिक करके आप और क्वांटिटी, मतलब कि देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी लिया था मैंने, तो और मैं यहाँ पे दो तीन चार क्वांटिटी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लूंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मैं इंटरडे को आपको डिलीवरी पे आपको मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, कन्वर्ट पोजिशन पे क्लिक करके। अभी देखिए यहाँ पे मेरे को 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, देख सकते हैं प्रॉफिट। 186 में लिया था तो 187.20 है इसीलिए। तो यहाँ पे चलिए 187 पे बाय करने बाद कन्वर्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक किया मैंने। कितना शेयर आपको कन्वर्ट करना है? 2 शेयर, 2 पे क्लिक किया मैंने। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है डिलीवरी पे कन्वर्ट हो जाएगा। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए योर कन्वर्जन इज कम्प्लीट, द पोजिशन हैज बिन कन्वर्टेड फ्रॉम इंट्रा डे टू डिलीवरी। यहाँ पे डन बटन पे नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं डन बटन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए व्यू पोजीशन पे आप क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पे मैंने व्यू पोजीशन क्लिक किया। अब व्यू पोजीशन पे क्लिक करने के बाद पे अब यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा है आपको पोजीशन और होल्डिंग। ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए ऑर्डर, ये तो ऑर्डर आपने लगाया था लेकिन ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है डिलीवरी पे, डिलीवरी पे कन्वर्ट किया। तो ये जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो में आपको चेक करना है, पोर्टफोलियो का आप क्लिक करिए। अब पोर्टफोलियो पे देखने के बाद देख सकते हैं ओएनजीसी, ओएनजीसी आपका यहाँ पे अभी कितना चल रहा है, 187। यहाँ पे आपको देखिए 0.10 10 पैसे का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये ओवरऑल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पावर ग्रिड यहाँ पे मैंने मॉर्निंग को लिया था इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ओवरऑल का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें अभी यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे 0.10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंटरडे के ऑर्डर को आप डिलीवरी पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए होल्डिंग पे अभी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यूको बैंक और जेफ बैंक दिखा रहा है, लेकिन 3:30 बजे के बाद जब मार्केट बंद हो जाएगा तब आपका यहाँ पे ये दिखाएगा। तो अभी अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो देख सकते हैं सुबह के 11:30 बज रहे हैं अभी, तो ये आपका 3:30 बजे के बाद आपको दिखाएगा। देखिए कभी भी आप डिलीवरी पे आप कन्वर्ट कर रहे हो ना इंटरडे का ऑर्डर को, तो आप दोपहर से 3:15 से पहले, मार्केट बंद होने के 3:30 बजे रहता है, तो 3:15 से पहले, 3:15 से पहले आप अपना स्टॉक को आप डिलीवरी पे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका स्क्वायर अप हो जाएगा, जिसमें आप प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे वो आपको सेल कर देगा। इसलिए अगर आपको डिलीवरी पे कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से इंट्राडे ऑर्डर को आप डिलीवरी पे आप कन्वर्ट कर सकते हो अपस्टॉक के ऐप में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए ना तो मैंने अपने चैनल पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, और आने वाले टाइम पे भी मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। ये सभी वीडियोज आपको मेरे अपस्टॉक का मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक मार्केट कोर्सेज फॉर फ्री बिगनर, बिगनर लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक स्टॉक मार्केट के टाइमिंग, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ऑर्डर, ब्रोकरेज का चार्जेस क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग और मॉर्निंग सेकंड ट्रेड कैसे लेना है, फर्स्ट ट्रेड कैसे लेना चाहिए आपको, रिवर्सल कैसे ट्रेडिंग सेटअप होता है, और प्राइस एक्शन बॉक्स सेटअप क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन स्कैल्पिंग कैसे करना है, पेपर ट्रेडिंग करके आप कैसे प्रैक्टिस करके आप डीमैट अकाउंट में मतलब कि वर्चुअल मनी ऐड करके आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से वो ऐप हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये सभी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। ये वीडियो का लिंक आप ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और नीचे मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप फ्री में आप ये पूरे वीडियोज आप देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई आप कोई पैसा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए और आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनसे भी रिलेटेड वीडियोस बना के दूंगा आपको, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करके दूंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।